सो है गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि रिसाइकिल बिन से परमानेंटली डिलीट कैसे करें। गिलेरी से परमानेंटली डिलीट कैसे करें, मतलब कि आप गिलेरी से कोई वीडियो या पिक्चर डिलीट करते हो तो गाइस वो रिसाइकिल बिन में रहती है, तो गाइस वहाँ से भी डिलीट अपन कैसे कर सकते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना, और गाइस अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो गाइस यहाँ पर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट कैसे कर सकते हैं और या क्या कर सकते हैं वो पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी। वीडियो को एंड तक देखना और मैं फुल कोशिश करूँगा कि आपको मैं समझा सकूँ। तो गाइस सबसे पहले आपको गिलेरी ओपन कर लेनी है। गिलेरी ओपन करने के बाद आप वो, जैसे कि मैं गिलेरी ओपन कर ली, आपको यहाँ पर फोटोज़ वाला ऐसा ऑप्शन मिलेगा। तो गाइस आपको एल्बम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर रिसाइकल डिलीटेड इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस शो होगा। तो गाइज यहाँ पर आपको एक वीडियो, जैसे कि कोई भी मैं वीडियो यहाँ पर ले लेता हूँ, तो गाइज इस पर मैं क्लिक करता हूँ। तो गाइज यहाँ पर मैं इसे डिलीट कर देता हूँ। यहाँ से मैं जैसे ही डिलीट करता हूँ तो गाइज ये परमानेंटली मेरी गैलरी से ये डिलीट हो चुका है। अब मैं कुछ भी चाहूँ तो ये वीडियो वापस नहीं आ सकता है। इसी तरह आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो, जैसे कि मैंने ये चार डिलीट करते हैं तो गाइज ये चार मेरे डिलीट हो चुके हैं। तो गाइज इस तरीके से आप परमानेंटली गैलरी से वीडियो या पिक्चर्स कुछ भी रिसाइकल बिन से डिलीट कर सकते हो। तो गाइज ये वीडियो कैसी लगी, वीडियो नॉलेजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, और गाइज अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज।